बेस्ट रियल स्माइल. अरे यार इनको वापस से बुलाओ. रवि जी, अरे आपको क्या लगता है किसे दिया जाना चाहिए बेस्ट रियल स्माइल अवार्ड? मैं तो बोल रहा हूँ बुला सकते हैं मुस्तान भाई को, लेकिन वो आएंगे तो पूरे 7 भाई आ जाएंगे. दिल से देखो 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 देखो. चलो यार स्माइल तो दे रही है दिव्या. आ जाओ दिव्या, आइए. खुश खौसला दिव्या जी को ये दिया जाता है इनकी द बेस्ट. ये हो लो मैडम, ये स्माइल ये अवार्ड के लिए दे रही हो या पिक्चर बड़ी हिट हो गई इसलिए? आ जाओ डेब्यूटेंट डायरेक्टर. कंग्रेचुलेशंस, इतनी बड़ी हिट हो गई आपकी पिक्चर और ये अवार्ड लेके जा रही हो. ये आपके लिए अवार्ड ले, हम ही रखें. चलो हाँ. एक फाइनल अवार्ड है, मेरा नंबर कब आएगा अवार्ड? मेरा नंबर कब आएगा? होता ना कि हर बार सोचते हैं मेरा नंबर कब आएगा, इसको भी मिल गया उसको भी मिल गया, लेकिन मेरा नंबर कब आएगा? ऑडियंस चॉइस से ये अवार्ड जाता है. सलमान खान. थैंक यू. कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है. और स्पेशली ये जो अवार्ड जो अभी दिव्या ने और रमेश जी ने रिफ्यूज की, एंड आई एम ऑनर्ड, आई एम प्रिविलेज्ड, और आई थैंक माय होल फैमिली, एंड आई एम दिस इज टू ऑल यू गाइस. थैंक यू. कहां आप भी छोड़ के जा रही है मुझे? Don't go! This is the reaction that I'm getting everywhere. Strange है कि आप सब हम सब यहाँ पर आते हैं बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दीवाना बन के जाते हैं. इसीलिए हमने एक नया अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है, बेस्ट ऑडियंस अवार्ड. प्लीज वेलकम रितेश देशमुख. भाव भाव गाइस, आई लव भाव. या या भाव, तो पहला अवार्ड है मैं यहां क्या कर रहा हूं. और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक ही को चुना गया है, श्री रमेश तौरानी जी. प्लीज आइए. आइए ना. सर आपको अवार्ड मिल रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इतना महत्वपूर्ण अवार्ड है, आपको कैसा लग रहा है? दिस इज द फर्स्ट वन ऑफ अ काइंड अवार्ड, यू नो. ये बताओ कि किस लिए दे रहे हैं अवार्ड? अरे सर वो ही ना कि वो ये कि यहाँ पर ऑडियंस के अवार्ड दे रहे हैं, और ऑडियंस का ये अवार्ड है कि मैं यहाँ पर बड़ी क्या कर रहा हूँ. ये प्रोड्यूसर्स गिल्ड का अवार्ड है, फ्रेटर्निटी का अवार्ड है. अरे सब प्रोड्यूसरों को आना है यहाँ. रमेश जी आप नहीं समझोगे यार. बट रमेश जी इज वन ऑफ द मोस्ट, सर मुझे मेरा हक दे दो, मोस्ट लवेबल पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री. हक रमेश जी. अरे अवार्ड कहाँ है? अवार्ड का अवार्ड लेके गए. ओ माइकी अवार्ड तो दो. मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा अवार्ड है ये कर सकती हूँ. Yes. इसको आप ही रख. सर ये आपके लिए. दूसरा अवार्ड. हाँ
दूसरा अवार्ड है बेस्ट रियल्स। अरे ये बातों बातों में भूल गया, मैं तो घर खाली करवाने आया था, मेरी सुन नहीं रहा कोई। सलमान भाई पता नहीं किधर चले गए। इधर है, इधर है। सलमान भाई मेरे को पहचाना आपने? अरे मैं आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। थैंक यू। अरे मैं फर्स्ट शो फर्स्ट डे आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। आपको पता है जब तेरे नाम आई मैं फर्स्ट शो में आगे बैठा हुआ था। मैं जब आपको गुंडे पीट रहे थे मैंने बोला भी सलमान भाई भागो गुंडे, आपने सुना ही नहीं। मेरी सुनी होती तो आज भूमिका चावला आपकी होती। आइंदा नजर रखूंगा। आप ध्यान रखा करो ना फैंस का, फैंस इतना ध्यान रखते हैं आपका। भाई मैं पड़ेगा घर खाली करवा रहे हूँ, घर नहीं खाली कर रहे। कौन घर नहीं खाली कर रहा? ये सारे लोग 100 दिन के लिए किराया लिया था, सारे निकल गए, दो तीन बच गए। ऊपर से साथ में सिद्धू साहब की सिक्योरिटी भी मेरे को करनी होती है। सिद्धू साहब की सिक्योरिटी क्यों करनी पड़ती? सिद्धू साहब को क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? सिद्धू साहब को नहीं जरूरत है, वो जो आसपास इनको मिलने आते हैं उनको जरूरत होती है। इनका कोई पता नहीं ना कब किसको पकड़ के कविता सुना दे कब। और ऊपर से जिसकी कविता वो आ जाए तो उसको भी बचाना पड़ेगा फिर। पर ये सिद्धू साहब मैं आपका बड़ा फैन हूँ, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ के एमपी भी हैं, इतने प्यारे इंसान है। सलमान भाई आपको पता है जब इनको साइन करने गए ना, इनको बताया गया कि देखिए सिद्धू साहब आपको 100 दिन घर में रहना है कंटेस्टेंट के साथ, तो सलमान जी होस्ट करेंगे शो। कहते नहीं यार सलमान इतना बड़ा स्टार है वो होस्ट करेगा, मैं अच्छा थोड़ी लगता हूँ शो जज करता हुआ, आदत पड़ी ना जज करने की। हमने मना किया नहीं नहीं भाई आपको जज नहीं करना है, कॉमेडी शो नहीं है, 100 दिन आपको कंटेस्टेंट के साथ घर पे रहना है। तो कहते जब घर पे रहना तो अमृतसर ले आओ सबको। मतलब कहते लोनावला तो सबने देखा हुआ है, मेरे घर पे आएंगे तो किसी की जरूरत नहीं मुझे बाहर निकालने की, बिग बॉस यहाँ पे निकाल देते हैं। सलमान भाई ये घर नहीं खाली कर रहे, ये बंदे गए कहाँ, 3 बंदे रह गए, उनको बुलाओ। जाना है देखना है तो फिर मी टीवी के थ्रू देखना पड़ेगा। हाँ भाई बंदे ना किराया दे रहे बाहर आ रहे। अरे वाह हमने आपकी आवाज पहचान ली सुदेश भाई। कपिल, सॉरी सॉरी सुदेश। बट आवाज अभी मैंने आपको बोला। सलमान भाई मेरे को गोली मार दे आप खुद ही मार लो अपने आप को। क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं इन्होंने मुझे, मैंने बोला मैं इनको इनकी आवाज में पहचान सकता हूँ, इनका नाम। मैं आपको जगह इमाम की जगह हमाम बोल दूं तो? वो तो सब लोग बोलते हैं ऐसा, कोई नई बात नहीं होगी। इमाम भाई जी सर बड़ी दुनिया पसंद कर रही है आपको। आई लव यू, आई लव यू टू एंड आई थिंक पहले बोलना। अरे भाई आप आई लव यू सीरियसली, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। थैंक यू भाई। एक बात बताइए आपको ये फोबिया क्यों बाथरूम का, कि बाथरूम साफ होना चाहिए? आप इतने क्या है? एक मिनट, कोई फोबिया नहीं है सर, मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ कि जहाँ सफाई रहती है वहाँ बरकत रहती है। बाथरूम में अंदर जाके आपने कौन सा कढ़ाई पनीर बनाना है? टाइम आउट भाई एक मेरे को बात बताओ, टाइम आउट ज्यादातर मैंने बचपन में ऐसे सुना है, ये कौन सा टाइम आउट? ये मेरा तरीका है सर, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक दिन नहीं मेरे को बहुत पसंद आया, और उस दिन मेरे को बड़ा पसंद आया जिस दिन सलमान भाई के बोलते सलमान भाई टाइम आउट, बोल देखो किनके रहे हैं, सबको पता है इनका टाइम कभी आउट नहीं हो सकता। फिल्में दो ही बंदों के भरोसे चलती है, एक भगवान भरोसे दूसरी सलमान भरोसे। वेरी गुड। एक बात बताओ ऋषि, आपने सीरियलों में वैम्प का रोल बड़ा किया है। हाँ? आज कैसा लग रहा है आपको भी वैम्प मिली, एक मेल वर्जन? एक मेल वर्जन वैम्प? वैम्प से कहीं बढ़कर है भाई। कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं है इनके सामने, कुछ भी नहीं। उर्वशी बोलिए, अगर आपके बच्चे बड़े बड़े नहीं ना होते तो मैं आपको प्रपोज जरूर करता। आए हाय कपिल अभी भी कर दे, कोई बात नहीं। चलो मेरे को गोद लो एज ए मम्मी सही। खैर मैं सलमान भाई ये बातों बातों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको बोलो हमारा घर खाली कर दे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं चेक करूंगा आके, ठीक है? अच्छी बात। आजा आजा। और बाथरूम से वो सब जो आपका पड़े रहते ना सामान वान वो सब उठा लेना आप। जी जी बिल्कुल। थैंक यू इमाम भाई, लव यू। लव यू टू। थैंक यू सलमान भाई। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थ्री चीयर्स फॉर कपिल। लीजा हेडन